Good morning, dear students. Welcome to RVR Public School, Class 5th. Today, I will explain you English, Chapter Number 13, The Talkative Barber, means Ek Batuni Nai. Let's start. A barber, Ek Nai, who lived in Kashgar, was a great talker. वह काशगर में रहता था, जो कि बहुत ही बातूनी था. One day, the king called the barber to shave his head. एक दिन राजा ने उसको अपनी हेड की शेव करने के लिए बुलाया. The barber started talking non-stop instead of shaving him. नाई ने बोलना शुरू कर दिया शेविंग करने के बजाय. The king got angry. राजा बहुत गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया. फिर राजा ने उससे बोला, When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम अपना काम बिना बोले ख़त्म करो और यहाँ सर जाओ. The barber replied. नाई ने आंसर किया, रेप्लाई किया, यू डू मी एन इंजरी बाई कॉलिंग मी अ चैटरर. आप मुझे ऐसा कहकर हर्ट कर रहे हैं. फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट. हर कोई कहता है कि मैं बहुत ही शांत हूँ. आई हैव सिक्स ब्रदर्स. मेरे छः भाई हैं. देर आर नेम्स. यहाँ पर आपको उन छः भाई के नेम मेंशन किए हुए हैं. वन इज़ हम्बैक्ड. एक के पीठ पे कुंवर है. वन इज़ टूथलेस. एक बिना दांत का है. उसमें से एक हाफ माइंड है. एक थोड़ा सा अंधा है. एक थोड़ा सा बहरा है. एक बोलने में हकलाता है. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. लेकिन मैं अपने फैमिली के सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स. जो कि मैं बहुत शांत रहता हूँ और मैं बहुत कम बोलता हूँ. गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड कॉइन्स. इस राजा ने उससे बोला कि इसको 3 पीस गोल्ड कॉइन्स के दो और इसको जाने को बोलो. द किंग क्राइड लॉसिंग ऑल पेशेंस. राजा ने अपना धैर्य खो दिया और कहा, सेंड हिम अवे. इसको जाने को बोलो. आई विल नॉट शेव टुडे. मेरी आज शेव नहीं हो पाएगी. माई मास्टर क्राइड द बावर. इट वॉज नॉट आई हु केम टू सी यू. इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. सो I will not quit your house till I have shaved you. मेरे मास्टर, बार-बार ने कहा, मेरे मास्टर, मैं नहीं था जो आया था. आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था, इसीलिए मैं आपके घर से आपके शेप किए बिना नहीं जाऊँगा. He then began narrating another story which lasted for 30 minutes. उसने दूसरी स्टोरी शुरू कर दी जो कि आधे घंटे तक चली. इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. थैंक यू.